बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, मैं हूँ सलाल इम्तियाज और मैं हाजिर हो गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। तो मैं कटिंग करवा के आ चुका हूँ, रेडी भी हो गया हूँ। पहले आपने देखा था पिछले व्लॉग में कि मेरी क्या हालत हो रही थी और अब देखें कैसे लग रहा हूँ। खैर, सब कुछ रेडी है, बस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इवेंट को। तो आइए, आपको भी सब नीचे बैठे हुए, अभी तक मैंने उनको मना किया कि ऊपर नहीं आए, क्योंकि मैं जो है वो फाइनल जो है लाइट्स वगैरह की सेटिंग कर रहा था। सब कुछ ओके हो गया, अब सबको ऊपर बुलाएंगे और फिर इंशाल्लाह बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं बर्थडे बॉय से भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा अपने बेटे से, जो कि आज तक मेरे ब्लॉग में नहीं आया, फर्स्ट टाइम आज इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा बेटा कैसा लगा और बर्थडे की डेकोरेशन और सेलिब्रेशन कैसी लगी, तो कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। तो चलिए सबको बुलाते हैं ऊपर। तो व्यूअर्स, सब ऊपर आके बैठ गए, तो आइए अब जो है वो बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हैं, केक कट करते हैं, ठीक है। फिर जो है वो खाना खाएंगे। 10 बच्चे हैं, आयल के जो दादा अपू मतलब मेरे जो फादर हैं वो सो गए थे, इतनी देर हो गई, लेट हो गए, तो सो गए। खैर, चलें अभी सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, खाना भी काफ़ी देर से आया हुआ, ठंडा हो गया, आइए चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday. लिया तो आयल के जो नाना नानी भी कराची से आए हुए थे, वो भी थे साथ में, शामिल हो गए। बाकी अभी खाना लगाया, खाना खा रहे हैं सब, मैंने अभी नहीं खाया, मैं एंड में खाऊंगा, क्योंकि हम तो मेज़बान हैं ना, बाकी सब मेहमान हैं। मैंने भी नहीं खाया, चलो आप भी खा लेना। ये कदम मैंने थोड़े किराए पे लिया हुआ है कैमरा मैन पर, ठीक है। तो अब हम दोनों जो हैं वो एंड में खाएंगे, अगर नसीब में मिल गया तो, वरना फिर अल्लाह मालिक है। बाकी शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, सब जो हैं वो खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब बच्चे भी। चलिए अभी हम नीचे जाएंगे, ठीक है। खाना तो फिर बाद में खाएंगे, क्योंकि अभी काम बहुत है, एंड में रिलैक्स फ्री होके खाएंगे। अभी जो है आयल को जो बर्थडे के टॉयज मिले, तो अभी हम वो जाके आपको ओपन करेंगे और आपके साथ जो दिखाएंगे कि आयल को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं बर्थडे के, ठीक है। तो आइए चलते हैं नीचे। ये आयल जो है इतना तंग कर रहा था कि भाई मैंने अपने गिफ्ट जो है ना खोलने, तो मैंने कहा चलो तुम लोग गिफ्ट्स खोलो, वरना जो इसने ऊपर तंग किया हुआ था, रोना डाला था। चलें देखते हैं कि आयल के बर्थडे पर क्या क्या इसको गिफ्ट मिले। चलो ओपन करो बच्चों गिफ्ट्स, चलो आयल करो ओपन, करो ओपन करो।
बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गई, गिफ्ट भी खोल लिए आयल ने और बच्चों ने मिलके, ठीक है सब आपके साथ मैंने अपनी जो है सेलिब्रेशन शेयर की। तो आज मैंने अपने बेटे को भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया, मैंने अपनी बेटियाँ जो मैं को तो पहले आपसे इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, लेकिन मेरा बेटा आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आया मेरे, लेकिन उसका फिर भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हो सका क्योंकि वो मस्तियों में लगा हुआ था इधर उधर। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी जो मतलब बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन है वो ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बेटा कैसा लगा और बर्थडे डेकोरेशन और सेलिब्रेशन कैसी लगी। तो बाकी अभी बस मैं चेंज वगैरह करूँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद लेट जाऊँगा और व्लॉग एडिट करना है क्योंकि मैंने कल जो है अपना एक व्लॉग अपलोड करना है और कंटिन्यूसली इंशाल्लाह मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, ठीक है अब मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।